हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपके साथ मैं और एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग मंगलसूत्र डिज़ाइन लेके आई हूँ। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इस मंगलसूत्र के डिज़ाइन को घर पर आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ही से में मैंने सिलाई वाला धागा पुर लिया है। यहाँ पर लिया है गोल्ड मोती, बड़ा वाला गोल्ड मोती, ब्लैक मोती। यहाँ पर मैंने इस तरह का पेंडेंट लिया है, ये देखिए। यहाँ पर पहले से मैंने एक साइड बना लिया है, इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बनाना है। मंगलसूत्र बनाने के लिए पहले यहाँ पर हमें लेना है धागा। धागे को फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से डबल लेयर धागा लेना है। आपको जितना लॉन्ग मंगलसूत्र चाहिए आप उतना धागा यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कट लगाकर इस तरह से बांध दिया है। आगे यहाँ पर हमें सुई को बांध लेना है। धागे को अलग अलग करके यहाँ पर मैंने सुई को बांध लिया है। पहले एक सुई में हमें ब्लैक मोती पुरो लेना है। यहाँ पर हमें 10 ब्लैक मोती पुरोना है। इसी तरह से यहाँ पर हमें दूसरे धागे में 15 ब्लैक मोती पुरो लेना है, ये देखिए। यहाँ पर हमने दोनों धागों में एक में 10 और एक में 15 ब्लैक मोती पुरो लिया है। अभी यहाँ पर हमें गोल्ड मोती पुरो लेना है। यहाँ पर हमें 8 गोल्ड मोती पुरो लेना है और बीच बीच में छोटे वाले पीले मोती पुरोना है। दोनों धागों में हमें बराबर गोल्ड मोती को पुरो लेना है। यहाँ पर हमने दोनों धागों में गोल्ड मोती को पुरो लिया है। यहाँ पर अभी हमें फिर से ब्लैक मोती पुरो लेना है। यहाँ पर हमें 30 ब्लैक मोती पुरोना है। यहाँ पर आप मोती कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इतने ब्लैक मोती पुरो लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे धागे में भी ब्लैक मोती को पुरो लेना है। यहाँ पर भी हमने 30 ब्लैक मोती पुरो लिया है, देखिए। यहाँ पर हमें ऊपर ही ब्लैक मोती को कम ज़्यादा करना है और आगे हमें यहाँ पर बराबर ब्लैक मोती को पुरोते जाना है। फिर से यहाँ पर हमें 8 गोल्ड मोती पुरो लेना है और बीच में पीले वाले मोती पुरोना है, ये देखिए। इसी तरह से हमें दोनों धागों में बराबर मोतियों को पुरोते जाना है। यहाँ पर हमने फिर से ब्लैक मोती को पुरो लिया है। यहाँ पर हमें जितने हमने ऊपर ब्लैक मोती पुरा है उतने यहाँ पर ब्लैक मोती को पुरो लेना है। इसी तरह से हमें मोतियों को पुरोते जाना है। आपको जितना लॉन्ग मंगलसूत्र चाहिए आप यहाँ पर आगे मोतियों को बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने इतना ही मोतियों को पुरो लिया है। अभी हमें दोनों सुई को मिलाकर एक बड़ा वाला गोल्ड मोती पुरो लेना है। यहाँ पर अभी हमें फिर से एक ब्लैक मोती पुरोना है, ये देखिए। यहाँ पर अभी हमें पेंडेंट को लगा लेना है। यहाँ पर हमने पहले से एक बाजू पेंडेंट को लगा लिया है, दूसरी साइड भी हमें पेंडेंट को लगा लेना है। पहले यहाँ पर हमें सुई में इस तरह से पेंडेंट को पुरो लेना है, ये देखिए। यहाँ पर हमें सुई को निकाल देना है।
बीच में इस तरह से पकड़ते हुए हमें पीछे की वाली साइड इस तरह से पुरो लेना है। यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमें मोतियों को पेंडेंट की ओर लाना है। इस तरह से हमारे दोनों साइड पेंडेंट को लग चुके हैं। अभी हमें पीछे स्क्रू लगा लेना है, इस तरह का स्क्रू लेना है और दोनों साइड यहाँ पर हमें स्क्रू को लगा लेना है। यहाँ पर हमें सुई को बांध लेना है, स्क्रू को पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सुई को निकाल देना है, स्क्रू के बराबर अच्छे से नॉट लगा लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्क्रू को लगा लेना है। यहाँ पर हमने दोनों साइड स्क्रू को लगा लिया। एक्स्ट्रा धागा हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा आज का ये बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन तैयार है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आपको आज की मेरी मंगलसूत्र की डिज़ाइन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको और भी मंगलसूत्र डिज़ाइन सीखना हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत से खूबसूरत मंगलसूत्र की डिज़ाइन सिखाया है। आपको आज की डिज़ाइन कैसे लगी आप ज़रूर बताना।